47 सीट के लिए वोट डाले गए। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बता दें आपको जो ताजा अपडेट है, ईवीएम सील होते हुए दिखाई दे रही है और ईवीएम को सील करके ले जाया जा रहा है। इसके बाद अब इसे काउंट किया जाएगा 23 तारीख को। तो फर्स्ट फेज का चुनाव जो है वो खत्म हो गया झारखंड में, विधानसभा का चुनाव फर्स्ट फेज। और देखिए, ईवीएम को सील करते हुए दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले गए, यानी कि 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। कुल 81 विधानसभा की सीटें झारखंड में हैं और ऐसे में अब अगली बार 20 तारीख को दूसरे फेज में, दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए ईवीएम को सील किया गया, ईवीएम को पूरी तरीके से पैक कर लिया गया है और अब इसको अनपैक किया जाएगा, अनसील किया जाएगा 23 तारीख को। और हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं लगातार, संजय सिन्हा निर्वाचन आयोग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अविनाश भी है हमारे साथ। सबसे पहले रुक करेंगे संजय आपकी ओर। देखिए 5 बज गए हैं और अब वोटिंग का समय खत्म हो गया है, तो आप ये बताइए अब तक किस तरीके से वोटिंग हुई और सब कुछ सही तरीके से हो गया? देखिए बिल्कुल, शाम 5 बजे का वक्त है और इस समय झारखंड में पहले चरण का मतदान जो है वो अब जो है खत्म हो गया है। हालांकि कुछ लोग जो भी कतार में लगे होंगे वो जरूर मतदान कर रहे होंगे, लेकिन एक मुस्कुराहट वाली तस्वीर जो आई है ग्रामीण इलाकों से जहां मतदान हुआ है। और हमारे साथ तमाम चीजों के लिए चर्चा के लिए बैठे हैं यहाँ पर 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे साथ हैं। यहाँ पर वैद्यनाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम किशोर चौबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम दोनों से जानेंगे लबोलुआब कि झारखंड विधानसभा चुनाव के जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है वो मतदान दरअसल किस ओर जाता नजर आ रहा है और वास्तव में उसका मतलब क्या समझा जाए। ग्रामीण क्यों चिल्लाया, शहर खामोश आके रहा तो क्यों? सर अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की बात करें, दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान रहा तकरीबन 60% मतदान गया है, लेकिन रांची जैसा, रांची राजधानी है, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, रांची हटिया कांके 44-51-53, ऐसा क्यों? शहरों में मतदान तो हम हर जगह कम होता है, अखिल भारतीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो शहरों में मतदान कम होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण यह है कि शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है लेकिन बाहर काम करते हैं। जो बाहर काम करते हैं वो किसी के लिए वोट देने के लिए अपना खर्चा पानी करके आएंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि वह वोट देने आए। दूसरी बात है कि शहर में गपबाज वाले बहुत हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ करके जो चर्चा बहुत करते हैं लेकिन वोट देना वो अपना धर्म नहीं समझते हैं कि वोट देना। अखबार भी पढ़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। हाँ 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 हाँ, वो ड्राइंग रूम में बैठ करके सरकार बनाते भी करते हैं लेकिन उनके प्रति ये नहीं है कि हमारी ड्यूटी है, हमारा भी एक दायित्व है या कर्तव्य है, हमको ये वोट देना चाहिए, तो वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो शहरों में पोलिंग, दूसरी शहर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो BLO है वो लोगों के घर पर सही तरीके से पर्ची नहीं पहुंचा पाता है और जब ये वोटर लिस्ट कटती है और बूथ बदलते हैं यहाँ का वहाँ चला जाता है तो शहर के लोग वह जहमत उठाने के लिए तैयार नहीं है कि हम जा करके खोजें। गांव में क्या होता है कि पूरे गांव का बूथ एक जगह, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिसका छूटा है उसको बता देता है कि नहीं इसका छूटा ये ऐसा है। शहर में क्या होता है कि एक ही अपार्टमेंट में आप रहते हैं, कोई एक दूसरे की कैफियत नहीं जानता है कि कौन कहाँ से आया, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ हो भी तो। इसलिए यह शहर का समाज जो है वो बटा हुआ समाज है, गांव का समाज जो है एकजुट समाज है। तो एक जगह वोट जब जाता है वो कहीं मिलता है जुलता है तो ये एक फर्क पड़ता है जिसके चलते शहर में पोलिंग हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है। 43 सीटों पर जो है, 43 विधानसभा सीटों पर आज जो पहले चरण का मतदान हुआ है, सर आप पहले चरण के मतदान पर बात करें, कौन सी पार्टी लगता है कि आज के मतदान को देखकर मुस्कुराएगी? खिलखिलाने की बात हम बाद में करेंगे। देखिए खिलखिलाने की बात तो अभी कोई कर ही नहीं सकता है, मुस्कुराने की बात है तो हक तो भाजपा का बनता है, इसलिए कि भाजपा के पास इन 43 सीटों में अपनी 13 सीटें हैं और 3 और जोड़ लीजिए जो कमलेश सिंह NCP से गए, सरजू राय जो JDU में चले गए और एक तीसरे आपके बचते हैं
ये निर्दलीय थे अमित कुमार यादव, ये तीन उसके पास गए तो उसके पास 16 ही हैं 43 में, हम इन तीनों को भी जोड़ लें तो 16 हैं। तो अब भाजपा का अपना ओरिजिनल जो 13 अपनी जो 13 सीटें हैं 2019 में जीती हुई, तो अब हम तो ऐसा नहीं ना कोई सोच सकता है कि 13 से 3 हो जाएंगे, बढ़ना तो उन्हीं को है, पाना उनको है। और लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद से ही जितनी सघन कंपेनिंग का और जितनी कहिए कि कारपेट बॉम्बिंग वो करते रहे, भाजपा का जो वोट नेता झारखंड में आकर 4 वोट भी बढ़ा सकता है उसको भी लाके यहाँ जो उतारा गया है गांव से लेके शहर तक और बूथ लेवल तक, तो प्रधानमंत्री भी कई बार खुद आए, अमित शाह कई बार आए, जेपी नड्डा कई बार आए, तो और जोगी को लाके यहाँ से वहां तक कहिए कि जोगी मैं किया गया, तो मुस्कुराना तो बीजेपी का हेमंत में भी हुआ है चुनाव, अगर ऐसा कहा जाए सर हेमंत में भी हुआ। जेएमएम के लोग भी लगातार ये बताते रहे कि हेमंत सोरेन जो है और झारखंड में सबसे बड़े चेहरों में एक है। तो ऐसे में सर क्या लगता है, घाटशिला की बात करें, देखिए वहां 70% चला गया है, बहरागोड़ा 70% चला गया है, ये तमाम इलाके बेल्ट कोल्हान के माने जाते हैं कि जेएमएम का बेल्ट है, जो पिछली बार 2019 से बीजेपी वहां तो खाता भी नहीं खुल पाई थी और एक पत्ता भी खड़कता था वहां तो कहते थे जेएमएम का खड़का है। इस बार क्या सर कुछ जो पत्ते की खड़कने की आवाज है कुछ सुर बदलेगा या खाता भी वहीं नहीं खुलेगा? देखिए पहले तो अपने दुरुस्त कर लीजिए कि बहरागोड़ा से कुणाल सांगी के पिताजी दिनेश सारंगी जीते थे। 2019 की बात कर रहे सर। नहीं ना, मैं हमने कहा कि खाता भाई दुरुस्त रखिए। तो पहली बात तो यह है कि देखिए आम धारणा यह है कि जब जहां पोलिंग ज्यादा होती है वहां परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देती है, आम धारणा है ये। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत सही नहीं मानता हूं। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास और गढ़वा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश। अविनाश देखिए खत्म हो चुका है मतदान समय और लेकिन फिलहाल अभी जो लोग लाइन में होंगे वो लोग वोट डाल पाएंगे, तो कैसा रहा आज का दिन और पूरी तरीके से क्या सफलतापूर्ण तरीके से मतदान हो गया? देखिए आज सुबह 6 बजे से लगातार हम अपने दर्शकों तक जो भी तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं और जो अच्छी तस्वीरें रही और जो मैंने देखा जो मैंने महसूस किया वो साफ तौर पर है और इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में उत्सुकता ज़्यादा दिखी इस उत्सव को लेकर और लोग बाहर निकले और जो लोग निकले उसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी रही और अच्छी तादाद में अगर महिलाएं वोट कर रही हैं तो इसके मायने मतलब भी समझने की ज़रूरत है झारखंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये किसके फेवर में जा सकता है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम अलग अलग, मैं सिर्फ पलामू प्रमंडल की बात कर रहा हूँ कि अगर पलामू प्रमंडल के मैं 5-6 सीटों का जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है और जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पर है कि लड़ाई कैसे होनी है। गढ़वा में जो दिख रहा था मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं उनके खिलाफ जो है बीजेपी के सत्येंद्रनाथ तिवारी हैं और एक पोल बन रहा था सपा के गिरिराज सिंह का, तो अब अगर अंतिम तक की बात कर लें जब अब मतदान भी हो चुका है सीधी लड़ाई दिखती है मिथिलेश ठाकुर और सत्येंद्रनाथ तिवारी में। गिरिराज सिंह अगर ज़्यादा वोट काटने में कामयाब हुए तो एक बड़ा चमत्कार किसी तीसरे के लिए हो सकता है। अगर आप भवनाथपुर की बात कर लें डायरेक्ट सीधी लड़ाई है दोनों के बीच में, चाहे वो भानु प्रताप शाही की बात कर लें या फिर अनंत प्रताप देव की बात कर लें, कांटे की टक्कर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विश्रामपुर में चतुष्कोणीय लड़ाई है और वहाँ पर जो बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, राजद के नरेश सिंह हैं, जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके बीच में जो है चतुष्कोणीय लड़ाई, इसलिए क्योंकि विश्रामपुर को जितने लोग जानते हैं और जो भी चुनाव का इतिहास रहा है वहाँ हमेशा ही ये तस्वीर देखने को मिली है। डाल्टेनगंज की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर सबको पता है आलोक चौरसिया और के एन त्रिपाठी के बीच लड़ाई है, हालांकि दिलीप नामधारी जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं तीसरा कोण बनाने की, कितना बन पाया है ये तो परिणाम बताएगा। अगर आप पाकी चले जाए मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अविनाश लौटूंगी आपके पास और गौरव भी हमारे साथ हजारीबाग से जुड़ गए हैं, तो गौरव आप ये बताइए कि कैसा रहा अब तक का समय? देखिए मतदान का समय तो खत्म हो चुका है, 5 बजे तक का ही समय था, तो क्या सफलतापूर्ण तरीके से मतदान सफल हुआ?
बिल्कुल, कोडरमा, हजारीबाग और तमाम जगहों की बात करें तो बेहतर तरीके से मतदान सफल रहा है और उसकी जो सफल तस्वीरें हैं वो उस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखेगी जब जो वीवीपैट मशीन है उसे सील किया जाएगा, जो ईवीएम है उसे सील किया जाएगा। इसी ईवीएम में तमाम जो हम इस वक्त बरकट्टा विधानसभा में है तो बरकट्टा विधानसभा के तमाम जो 20 प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला इसमें कैद हो चुका है और तमाम जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इन्हें कैद कर रहे हैं। सीधे यहां से वीवीपैट मशीन को कैद करने के बाद इसके साथ साथ जो कंट्रोल यूनिट है उसे भी आप देखेंगे तो उसे भी सील किया जा रहा है और इसे भी सील करने के बाद सीधे यहां से इसे हजारीबाग बाजार समिति भेजा जाएगा। पूरे दिन की बात करें तो जिस बूथ पर हम हैं इस वक्त, इस बूथ पर 70% से अधिक मतदान हुए हैं। हालांकि बरकट्टा की बात करें तो बरकट्टा में जो 1 बजे तक का मतदान का लिस्ट आया था उसमें प्रतिशत में कमी देखने को मिली थी, 50 से भी कम प्रतिशत देखने को मिले थे। लेकिन जिस बूथ पर मैं इस वक्त हूं यहां जब वीवीपैट मशीन को पैक और सील किया जा रहा है तो उस दौरान यहां बताया गया कि अच्छी खासी वोटिंग भी। कैसा रहा है मतदान प्रतिशत सर, ये बताइए। मतदान प्रतिशत तो 78% लगभग हुआ है, 78%। अभी से पैक और सील करने का प्रोसेस चल रहा है, अभी सील प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल, एक बार आप सील करें भैया और बताएं कि कैसे इसे सील करेंगे, क्योंकि यहाँ जो तमाम एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं और वो इसे देख रहे हैं कि जो किस्मत का फैसला है वो इस ईवीएम में किस तरीके से कैद और सील हो रहा है। सील लगाने के लिए लाह लाई गई है, अगरबत्ती लाई गई है और लाह और अगरबत्ती के माध्यम से आप देखिए ये यहाँ पर सील होता हुआ, ये सील हो गया। आप हाँ, ये सील हो रहा है सर, ये सील है, मतलब अब ये निकल नहीं सकता। अब इसको कोई खोलेगा तब इसमें पता चलेगा कि कोई खुला है, नहीं तो ये तो सील हो गया। कौन कौन से मशीन को सील करते हैं? ये बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट हाँ लगा ही नहीं। ये एक और कुछ लेकर आए हैं, ये क्या है? ये एक तरफ से सील है, सील है, उसको लगा के दबाने के लिए। जैसे जहाँ ये लग रहा है थोड़ा दिखाइए कैसे सील होगा। आपको हम ईवीएम मशीन यानी कि ये जो कंट्रोल यूनिट था उसे सील करने के पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हैं। जैसे ही ये सील उस पर लगेगा ये सील हो जाएगा, यानी इसे अब यहाँ से कोई नहीं खोल सकता और इसी प्रोसेस को यहाँ बरकट्टा में किया जा रहा है। लगाइए, थोड़ा चिपकाइए लाह लगाकर। लाह का प्रयोग इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो सील है जो उस पर एक तांबे लोहे किस चीज का बना हुआ है ये भैया? लोहे का, कोई मेटल ही है, मेटल है। बिल्कुल मेटल युक्त पदार्थ से उसे यहाँ चिपकाया जा रहा है ताकि हालांकि लाह थोड़ा कमजोर पड़ रहा है आप लोगों का। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अधिक लाह लगाने की जरूरत है ताकि उसे जो सील है वो किया जाए। हालांकि इस पर जो काले निशान है ये इस चीज को दर्शा रहे हैं कि कोई अगर इसे खोलेगा तो उसे पता चल जाएगा। एक ये जो यूनिट है ये सील हो चुका है, दूसरा यूनिट उस ओर आप चलेंगे तो वहां भी उसे सील करने का जो प्रोसेस है, वीवीपैट मशीन हम जिसे कहते हैं, एक तो ये सेंट्रल यूनिट, दूसरा वीवीपैट मशीन। थोड़ा वीवीपैट मशीन को भी दिखाइए तिवारी सर की किस तरीके से उसे पैक किया जा रहा है। इसमें भी जो लाह है उसे पहले उस पर लगाया जा रहा है, उसके बाद जो सील के प्रोसेस है वो किए जाएंगे और तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार आज सुबह से उस वक्त से दिखा रहे थे जब इसी वीवीपैट मशीन में मॉक पोल का प्रोसेस किया गया था। मॉक पोल प्रोसेस के बाद अब ये सील होने का प्रोसेस है और मशीनों को यहां पर बक्से में कैद कर सीधे बाजार समिति भेजा जाएगा, यानी हजारीबाग जिले का जो बाजार समिति है वहां इसे रखा जाएगा और फिर 23 तारीख का जो तिथि है उस वक्त इन तमाम प्रत्याशियों के, जिन प्रत्याशियों का नाम की वैलेट यूनिट पर लिखा हुआ है, इन तमाम प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा कि इन तमाम प्रत्याशियों में से किसे सबसे अधिक मत मिले हैं और कोडरमा का सरताज किसके सर पर सजने वाला है। क्योंकि आज पूरे दिन की बात करें तो सिर्फ कोडरमा ही नहीं, कोडरमा के साथ साथ हजारीबाग, उनके साथ साथ सिमरिया, चतरा, तमाम जो जगह है वहां हमारी टीम उपलब्ध रही है इस इलाके में। इसके अलावा पलामू के भी क्षेत्रों से आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए लोग अपने बूथों पर पहुंच रहे थे, अपने पसंदीदा जो उनके उम्मीदवार थे उन्हें मत दे रहे थे। और सुबह से हमने आपको ये भी तस्वीरें दिखाई कि जब हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे थे तो उस दौरान कैसे न्यूज 18 पर लोगों की निगाहें भी टिकी हुई थी ये देखने के लिए कि वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ या नहीं, कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। इसके साथ तमाम दर्शकों तक गौरव लौटूंगी आपके पास। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। तो संजय मैं जानना चाहूंगी कि आप एक बार उनसे पूछें कि क्यों आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा है और शहरी क्षेत्रों में कम है, तो क्या शहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं क्या उनका इंटरेस्ट कम हो चुका है या कुछ और वजह?
देखिए बिल्कुल एक सवाल है कि वास्तव में जो वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर वहाँ होते हैं वो ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं, शहरी क्षेत्र में जो कामकाजी लोग हैं उन्हें तो बाकायदा उसके लिए छुट्टी भी मिलती है, फिर वास्तव में घर में क्यों बैठे हैं? देखिए शहरी क्षेत्र के वोटर थोड़ा कंफर्टेबल जोन में सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, और जो फ्लैट वाला कल्चर चल गया है उस फ्लैट में जो लोग हैं उसमें अधिकतर लोग देखिएगा कि या तो कामकाजी लोग हैं जो अपना आज छुट्टी है तो थके हुए, मौसम भी अच्छा था तो बेहतर मौसम बहुत फैक्टर नहीं करता है, वो जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अब देखिए जो फ्लैट कल्चर में जो लोग रहते हैं वहाँ तो अगल बगल के फ्लैट में संपर्क नहीं हो पाता है, दूसरे को वो क्या मानेंगे। गांव में फर्क यह आता है कि गांव में एक लड़का निकलेगा 10 घर कहेगा तो 10 घर से लोग निकल जाएंगे, लेकिन शहर में किसी के कहने से कोई जाने वाला नहीं है, और यहां कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं कि हम अपना पड़े हुए हैं, सुविधाजनक स्थिति में हैं, और सुबह शाम टहलते हुए फ्लैट फ्लैट से बाहर निकलते हैं। तो सियासी का खुला मैदान है, 43 सीटें हैं, और आपका जो ब्रेन है पॉलिटिकल ब्रेन है किसको कितनी सीटें दे रहा है पहले बताइए। 43 में देखिए अभी एक तरह से जोड़िए तो 16 सीटें बीजेपी के पास हैं, 13 इनकी अपनी है, एक सरजू राय वाली जोड़ लीजिए, कमलेश सिंह ठीक है, लौटूंगी संजय आपके साथ आपके पास में, और अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अविनाश आज क्या दिखा, कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी दिखे जनता के बीच में, ऐसा लगा कि इन मुद्दों को लेकर के जनता जो है पब्लिक वोट डालने के लिए गई? देखिए मुद्दे तो साफ तौर पर हैं कि जो अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं और वही फिर से पुरानी बातें, अगर हम कहें पानी नाली सड़क बिजली स्वास्थ्य केंद्र, चुनाव के जो कैंपेन भी चल रहे थे और जो लोगों से बातचीत हो रही थी उसमें यही सारे मुद्दे थे। एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो सरकार की दो योजनाएँ, खासकर अगर हम मैया सम्मान योजना और बिजली माफ़ी की बात करें, खासकर जो बिल की माफ़ी की बात हुई है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है वो तो है ही, लेकिन जो पुराना बिजली बिल था जिसकी माफ़ी की गई है उसकी एक चर्चा पूरे चुनाव के दौरान जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जो लोग चर्चा कर रहे हैं क्या वो सभी 100% लोगों ने सरकार के पक्ष में या उसके कैंडिडेट के पक्ष में मतदान कर दिया हो, लेकिन इसकी चर्चा हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ चुनावी सभाओं में भी आपने देखा होगा कि इसकी चर्चा हुई, और यही वजह है कि बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो। ठीक है अविनाश, तो आपका और संजय जी आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और तो देखिए मतदान का समय खत्म हो चुका है और अब तक देखने को मिला कि महिला और पुरुष दोनों ही बड़ी जागरूक तरीके से वोट किए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के लोगों में था कि उनको वोट डालना है, कुछ लोग बदलाव को लेकर के, कुछ लोग कई और जो पार्टियों की तरफ से कहा गया, जो वादे किए गए उसके भरोसे गए वोट डालने के लिए। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।